में मोदी बड़े बड़े भाषण करते हैं, बीजेपी की सरकार है, चांद की बात करते हैं, रॉकेट की बात करते हैं, मगर यहां पे आम जनता को पानी पीने का ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं आपको पानी क्यों नहीं मिलता है। आज मैं यहां यही बात आपको समझाने आया हूं कि यहां आपको और आपके बच्चों को साफ पानी क्यों नहीं मिलता। झारखंड में पैसे की कोई कमी नहीं है, यह गरीब प्रदेश नहीं है। लोग गरीब हैं मगर यह गरीब नहीं है, इसमें जल जंगल जमीन सब कुछ है, ढेर सारे मिनरल्स हैं, मगर आपको पीने का पानी नहीं। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, पहला काम नोटबंदी, याद है आपको? भूल गए? गरीब जनता के जेब से पैसा निकाला। ये हमारी माताएं बहनें आई हैं, दूर दूर से आई हैं, इनके घर में घुसकर पैसा निकाला गया, इनको बैंक के सामने खड़ा किया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई, तैयार हो जाओ हिंदुस्तान, काले धन के खिलाफ लड़ाई होने जा रही है। पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। भाई और बहनों, लाइन में आपने अदानी जी को देखा? देखा? सूट बूट वालों को देखा? अरबपतियों को देखा? ना, लाइन में हिंदुस्तान के सब गरीब लोग खड़े थे, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, बेरोजगार युवा, माताएं बहनें सब खड़ी थी। आपका लाखों करोड़ रुपए लेकर नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को दिया। पिछले 5 सालों में स्वयं नरेंद्र मोदी ने 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। कुछ ही दिन पहले 1,50,000 करोड़ रुपए टैक्स माफ किया। यह आपका मोबाइल फोन का दाम बढ़ा, आपके जेब में से पैसा लिया जा रहा है, मगर दाम बढ़ने से एकदम पहले नरेंद्र मोदी ने 60,000 करोड़ रुपए टेलीफोन की कंपनियों का माफ किया। पैसा देना था सरकार को, नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की, कहा नहीं भैया पैसा देने की जरूरत नहीं है, तुम ले 60,000 करोड़ रुपए, पैसे की जरूरत है, हिंदुस्तान की जनता है, ले मजे करो। उन्होंने 50% सेलफोन के रेट बढ़ा दिए। अब हुआ क्या? आपका पूरा का पूरा पैसा 15 लोगों के पास, और यहां आप टूटे हुए हैंडपंप को चलाते हो, खटाखट 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 चलाते हो, पानी नहीं निकलता उसमें से। दिन भर लगाओ उसको, दिन भर दबाओ, दिन भर ऐसे करो, पानी नहीं निकलने वाला। मगर अदानी जी के घर में मिनरल वाटर की बोतल ऐसी बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, वहां पे कोई कमी नहीं है। अच्छा, जमीन चाहिए। 15 मिनट में झारखंड के गरीब से गरीब किसान की जमीन झारखंड की सरकार लैंड बैंक बनाकर छीन लेती है। टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगते हैं, भैया ये अच्छी लग रही है आज, चलो इसको ले लेते हैं। यह काम पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में होता था, बीजेपी की सरकार थी, 24 घंटे वहां पे जमीन छीनी जाती थी। हम जमीन अधिकरण बिल लाए, लागू किया उसे, जाइए छत्तीसगढ़ में पता लगेगा।
मार्केट से चार गुना ज्यादा जमीन के लिए पैसा मिलता है किसान को, चार गुना ज्यादा मार्केट रेट से, चार गुना ज्यादा। और बिना किसान के पूछे, बिना आदिवासी दलित से पूछे, गरीब से पूछे, सवर्ण किसान से पूछे, जमीन नहीं ली जा सकती। कर लो जो करना है, छत्तीसगढ़ में जमीन नहीं ली जा सकती। और एक और बात सुन लो, अगर छत्तीसगढ़ में किसी बड़े उद्योगपति ने किसान से जमीन ली और पांच साल के अंदर उसमें काम नहीं शुरू किया, तो वो ही जमीन वापस किसान के हवाले कर दी जाती है। टाटा कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, टाटा कंपनी से छत्तीसगढ़ की सरकार ने जमीन लेकर वापस आदिवासी और किसानों को पकड़ा दी। भाइयों और बहनों, आपको यह बात समझनी पड़ेगी। बेरोजगारी है जहां भी देखो, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां भी पहले देखो बेरोजगारी बेरोजगारी। अब जाइए छत्तीसगढ़, पूछिए बेरोजगारी का क्या हुआ, गायब हो गई। मध्य प्रदेश जाइए, पूछिए क्या हुआ बेरोजगारी का, गायब हो गई। राजस्थान में क्या हुआ, गायब हो गई। आप सोचते हो कि भैया हमारे पीने को पानी नहीं है, मगर पीने का पानी इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार का पैसा पीने के पानी दिलवाने में नहीं जा रहा है। बिजली इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार का पैसा आपको बिजली देने में नहीं जा रहा है, वो उधर उद्योगपतियों को बिजली दी जा रही है। प्याज महंगा हो गया, ये देखो, ये देखो। अब ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ये क्यों नहीं कहता, अपने भाषण में ये क्यों नहीं कहता कि प्याज का दाम 200 रुपए हो गया। अब आएगा नरेंद्र मोदी, आता है, आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों पानी पीने को नहीं है ना, मगर अपन ने रॉकेट भेजा चांद तक, रॉकेट भेजा, देखो ऊपर की ओर देखो, वो देखो रॉकेट जा रहा है, नरेंद्र मोदी ने भेजा चांद तक। आप कहते हो भैया रॉकेट की बात आप कर रहे हो, हमें तो पानी पीने को नहीं, थोड़ा सा पानी भी दे दो, अच्छी बात है आपने रॉकेट भेजा, वो यूपीए वालों ने बनवाया था वो आपने भेज दिया, मगर थोड़ा सा पानी भी पिला दो। अच्छा भैया सही दाम भी दिलवा दो, धान का सही दाम दिला दो। देखो छत्तीसगढ़ जाओ, उधर पूछो, उधर पूछो क्या रेट है, आपको छत्तीसगढ़ में पता लगेगा 2500 रुपए धान का रेट है, किसानों को 2500 रुपए मिलते हैं। और इधर क्या है, 1100 या 1300। तो भैया आप एक बात बताओ मुझे, यहां पे बहुत सारे किसान होंगे, अब छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 दे रही है और यहां पे कितना, 1100 1300 1300। तो ये जो 2500 और 1300 के बीच में जो पैसा ही कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, ये सीधा डायरेक्ट उधर जा रहा है उद्योगपतियों के पास। अच्छा एक और बात समझो, अभी मैंने पिछली मीटिंग में बोला, आप टीवी देखते हो ना, है ना, देखते हो। अच्छा दिन भर टीवी पे आपको किसका चेहरा दिखाई देता है, फिर से बोलो किसका दिखाई देता है। अच्छा मुझे एक बात समझाओ, ये मीडिया के लोग बैठे हैं, आपको नरेंद्र मोदी का 24 घंटे चेहरा दिखाई देता है, मगर टीवी पे आपको ना हेमंत सोरेन का चेहरा दिखेगा, ना राहुल गांधी का चेहरा दिखेगा, है ना, नहीं दिखेगा। आपने अपने आप से कभी पूछा क्यों नहीं दिखता, मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल आप अपने आप से पूछो, मीडिया किसका है, मीडिया किसानों का है, मीडिया किसानों का है, मीडिया मजदूरों का है, मीडिया बेरोजगार युवाओं का है, नहीं, मीडिया किसका है, ए नरेंद्र मोदी का नहीं भैया, नरेंद्र मोदी तो उनके लिए काम करते हैं,
वो नरेंद्र मोदी के मालिकों का है, हिंदुस्तान के 10-15 उद्योगपतियों का है मीडिया। इसीलिए राहुल गांधी का चेहरा मीडिया पे नहीं दिखाई देने वाला। राहुल गांधी का चेहरा देखना है, राहुल गांधी का चेहरा देखना है तो जाके किसान के घर में चले जाओ, उससे पूछो तुम्हारा काम कौन करता है। किसान बताएगा राहुल गांधी करता है। राहुल गांधी का चेहरा देखना है तो बेरोजगार युवा के पास जाओ, उससे पूछो भैया तुम्हारे लिए कौन खड़ा होता है। बेरोजगार युवा कहेगा राहुल गांधी खड़ा होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा मीडिया पे, टीवी पे वही 2-3-4 उद्योगपति डालते हैं जिसके लिए नरेंद्र मोदी आपके पीने का पानी छीनकर उनको पैसा देता है। यह बात आपको समझनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप यह बात नहीं समझोगे तब तक हिंदुस्तान में बेरोजगारी रहेगी, तब तक आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा, तब तक आपको बिजली नहीं मिलेगी, तब तक आपकी जमीन हर रोज आपसे छीनी जाएगी। अब आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए जहां भी आप देखो देश में नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना, अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप इन इंडिया, जहां भी देखो अखबार खोलो, झारखंड में महिला पर बलात्कार, उत्तर प्रदेश में देखो नरेंद्र मोदी के एमएलए ने महिला का रेप किया, उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलता। हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। और ये देश को बांटते हैं दिन भर 24 घंटे, ये देश को बांटने का काम करते हैं दिन भर 24 घंटे, इनका यही काम है। एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाएंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, हिंदुस्तान को तोड़ने का बांटने का काम करेंगे 24 घंटा। और फिर पूरा पैसा अदानी अंबानी। और मैं आपसे ये कहने आया हूं कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपका जो पैसा है आपको पानी दिलवाने में जाएगा, आपको स्कूल दिलवाने में जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी और अस्पताल दिलवाने में जाएगा, और किसान को सही दाम दिलवाने में जाएगा। और आप सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, और बीजेपी के लोगों को बताना पड़ेगा। आखिरी बात भूल गया, ये मुझे बताओ आपका चीफ मिनिस्टर ईमानदार है या भ्रष्ट, ईमानदार है या भ्रष्ट, तो मुझे बताओ। पूरा झारखंड जानता है कि चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट आदमी है। नरेंद्र मोदी दिन भर कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, तो अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हो तो इसके साथ आप स्टेज पे क्या कर रहे हो? इसको चीफ मिनिस्टर आपने क्यों बनाया? इसको आप फिर से चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर आप ईमानदार हो तो इसके साथ क्यों खड़े हो? चौकीदार, तो ये मैं आपसे कहने आया था, गठबंधन को पूरा समर्थन दीजिए, यहां पे भयंकर जीत होनी चाहिए गठबंधन की। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।